हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि WhatsApp का मैसेज नोटिफिकेशन ऑन कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में WhatsApp का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और इस समस्या से आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप सीख जाएंगे कि आपका WhatsApp मैसेज नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, उसके क्या रीज़न है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका WhatsApp मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अगर आपने अपना मोबाइल अगर आप अपडेट किया होगा तो इसलिए आपका नोटिफिकेशन जो रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, नहीं तो कई बार आप गलती से आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ हो जाता है, इसलिए ये नोटिफिकेशन बंद हो जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हम व्हाट्सएप में जाएँगे, हम अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे। तो चलिए, ये रहा मेरा पहला वाला व्हाट्सएप, और यहाँ पे हम मैसेज टाइप करके देखते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो, और हेलो लिखने के बाद यहाँ पे मैसेज हमने सेंड किया। जैसे ही हेलो लिखकर सेंड किया तो ऊपर में कुछ भी व्हाट्सएप का मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हम चलेंगे अपना पुराने दूसरा व्हाट्सएप में, और यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि ये नोटिफिकेशन आया या नहीं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन अंदर में ये मैसेज आपको शो होगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ लिख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब की बार दूसरा कुछ चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे हम हाय लिखेंगे और सेंड किया, और यहाँ पे ये डबल टिक भी हो गया, और लेकिन हमें नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया। और यहाँ पे अगर हम दूसरा वाला व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज आया होगा। देखिए यहाँ पर ये मैसेज आया हुआ है नीचे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैसेज आया हुआ है। नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप में नहीं जाना है, बल्कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पे अपने मोबाइल के सेटिंग्स ओपन कर लीजिए, जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उस मोबाइल के सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज खुलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, यानी कि किसी किसी मोबाइल में यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर ऐप्स ही लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे ऐप्स में आपको चल जाना है। ऐप्स में जाने के बाद अगर आपके सामने इस तरीके का पेज खुलता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको सिस्टम ऐप में नहीं जाना है, बल्कि आपको मैनेज ऐप में जाना है। तो मैनेज ऐप्स में क्लिक करेंगे। मैनेज ऐप में क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे ऊपर में सर्च कर लीजिए। यहाँ पे हम सर्च करेंगे व्हाट्सएप, और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट वाले व्हाट्सएप को लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे जाएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे नो है। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है शो नोटिफिकेशन जो बंद आ रहा है, यहाँ पे इसको आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे और भी चीज़ आप देख सकते हैं, साउंड आपको चाहिए तो यहाँ पे साउंड भी आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ आपको ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप में फिर से, जो पहले सेंड मैसेज हम कर रहे थे, यहाँ पे हम व्हाट्सएप में आएंगे। व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ से फिर से हम मैसेज टाइप करेंगे और यहाँ से सेंड करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मैसेज नोटिफिकेशन यहाँ पे ऊपर में आ रहा है। फिर हम जाएंगे व्हाट्सएप में, और यहाँ पे फिर से एक चीज़ हम टाइप करके देखते हैं। एक मैसेज यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, और यहाँ पे फिर हम टाइप करेंगे, और यहाँ पे हम ऊपर में देखिए, यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन हाय हेलो दो चीज़ हमने लिखा यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपका मैसेज नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।